नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में पंचायत चुनाव के बारे में और उसमें पंच सरपंच और मुखिया की जो कुर्सी है उस पर जो है अब कई ऐसे मुखिया पंच सरपंच हैं जिनकी कुर्सी जाने वाली है। बिहार में हाल ही में पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव होने की एक लंबी प्रक्रिया चली थी जिसके बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव कराया गया था। पंचायत चुनाव के बाद अब नगर निकायों का चुनाव की बात कही जा रही है। ऐसे में प्रदेश के कई पंचायतों के कुछ क्षेत्र को नगर निकायों में शामिल किया गया है। ऐसे में सरकार जिलों से आए प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय करेगी। इसके बाद नगर निकाय चुनाव कराने की तैयारी शुरू होगी। ऐसे में सरकार की योजना कुछ और नगर निकाय बनाने की है। हालांकि अभी तक इसका अंतिम रूप देने का निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही साथ कुछ नगर पंचायत और नगर परिषद को अपग्रेड करने की भी तैयारी चल रही है। इसके बाद ही नगर निकाय के चुनाव कराने के लिए शहरी आबादी पर निर्धारण किया जाएगा। वर्तमान में नगर निकायों की संख्या 263 हो चुकी है। इसमें पिछले डेढ़ वर्ष में सरकार ने 120 नए नगर निकायों को गठन की मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी कुछ जिलों के प्रस्ताव लंबित है। कहा जा रहा है कि शीघ्र ही इस पर निर्णय की भी तैयारी है। बता दें कि मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को सरकार ने रिटर्न गिफ्ट दिया है। इसके तहत असरगंज के नगर पंचायत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद दरभंगा जिला के दो नगर निकायों के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट की मुहर लगनी ही सिर्फ बाकी है और ये दोनों क्षेत्र जो है नगर पंचायत घोषित किए जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार के कारण अभी तक करीब 3000 वार्ड सदस्य और पंचों का कार्यकाल मात्र 6 महीने के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ मुखिया की भी कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। अगर हम ताजा मामला देखें तो मधुबनी जिला के झंझारपुर नगर पंचायत के नगर परिषद बनते ही बेहट दक्षिणी और उत्तर पंचायत के दो मुखिया दो सरपंच, मुंगेर जिला के असरगंज नगर पंचायत बनने से एक मुखिया और एक सरपंच के साथ साथ 50 से अधिक वार्ड सदस्य की कुर्सी पर जो है तलवार लटकती हुई दिख रही है। बता दें कि बिहार सरकार ने निकायों के गठन संबंधित मानकों में बदलाव का निर्णय 6 मई 2020 को लिया था। इसके बाद तेजी से अनुमंडल मुख्यालय वाले शहरों को नगर निकाय बनाने के लिए बढ़ गई। यानी कि जैसे ही ये सरकार का ये नियम सामने आया उसके बाद अनुमंडल मुख्यालय की जो शहर है उसको जो है नगर निकाय में बदलने की बात कही जाने लगी। गाँव अगर शहरी निकायों में शामिल होता है तो उन्हें वित्तीय लाभ मिलेगा, यहाँ पैसे अधिक खर्च किए जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ राजांश और केंद्रांश की भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। डेढ़ वर्ष पहले बिहार का शहरीकरण महज 11% था जो देश में सबसे कम था। नए निकाय बनने से राज्य का शहरीकरण का प्रतिशत तेजी से बढ़ने की उम्मीद जगी है। इसको बोलते हुए पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरी जानकारी अभी तक करीब 3000 वार्ड सदस्य और पंचों के क्षेत्र नए नगर निकायों के गठन के बाद शहरी क्षेत्र में चला गया है। हालांकि यह सत्यापित आंकड़ा नहीं है। जिलों के त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरियों के कितने जनप्रतिनिधियों का क्षेत्र शहरी आबादी में चला गया है इसकी अधिकृत जानकारी मांगी गई है। तो ऐसे में कह लें कि अब जो है कई ऐसे गांव हैं जो कि नगर निकाय क्षेत्र में चले जाएंगे, तो इससे जो है कई मुखिया सरपंच पंच की जो कुर्सी है उस पर जो है तलवार लटकनी तय मानी जा रही है। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।